नाहन जिला मुख्यालय में आज विद्युत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाल न करने के विरोध में प्रदर्शन किया। नाहन में विद्युत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी प्रबंधन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में लगातार प्रदेश में विद्युत कर्मचारी अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। यूनियन के महासचिव ने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है, लेकिन विद्युत कर्मचारियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। प्रबंधन विद्युत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर रहा है, जिसके विरोध में आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आज जो हमारा मेन मकसद है कि हिमाचल प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, परंतु बिजली बोर्ड एक ऐसा हमारा कॉरपोरेट सेक्टर है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी हिमाचल बिजली बोर्ड में ये पुरानी पेंशन अभी तक लागू नहीं हो पाई है। कुछ नगर निगम का वगैरह कॉरपोरेशन भी बचे हैं, तो इसलिए हमने पूरे प्रदेश में आज बिजली बोर्ड के डिवीज़न सर्कल के समक्ष प्रांगण में भोजन अवकाश के समय हिमाचल बिजली बोर्ड मैनेजमेंट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हमारी एक इसमें एक मांग भी है कि हिमाचल बिजली बोर्ड जो है एक बड़ा ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर है, और इसमें स्थाई जो एमडी है अस्थाई प्रबंधक वर्ग बैठा है, तो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग है कि एक स्थाई एमडी की नियुक्ति वहाँ हो, ताकि बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली ठीक चल पड़े। और वहाँ पे जो बातचीत हुई वहाँ से फिर एक मैसेज आया कि हमारी वार्ता विफल हो गई है, तो जो है कल जो है हमारा जो धरना है, जो हम सांकेतिक हड़ताल है कर्मचारियों की, पेंशनरों की, पेंशनर पूरी स्टेट के पेंशनर जो हैं आज जो है इन कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर हमारा बोर्ड रहेगा तभी हम लोग एम्प्लॉय रहेंगे, तभी हम पेंशनर रहेंगे। और दूसरा क्या है, हमारा जो विघटन किया जा रहा है, इसको बोर्ड को तोड़ा जा रहा है, उसका हम पुरजोर जो है ना खंडन करते हैं। और आज से नहीं, हमने 40-40, 35-35 साल नौकरी की है, तो हमने इसको बनाया है और आज जो है इसको सिर्फ ख़त्म करने के ऊपर तुले हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं जो चाहते हैं कि भी इसको जो है बिजली बोर्ड को ख़त्म किया जाए, जिसको हम जो है किसी भी कीमत पे, किसी भी उस पे वैल्यू पे हम इसको सहन नहीं करेंगे। और हम हमारी आज की डेट में जो हमारे 30,000 पेंशनर है वो सब, और साथ में जितने 18,000 हमारे एम्प्लॉय हैं, हम सब एक यूनाइट होकर के इसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आज की जो हमारी सांकेतिक हड़ताल है, इसका कोई रिजल्ट आता है तो ठीक है, अदरवाइज हमें जो है हायर हमारे जो है स्टेट बॉडी लेवल के जो है एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर स्टेट बॉडी है, वो जो भी हमें आदेश देंगे उसका हम जो है पूरी स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत प्रबंधन ने अभी तक विद्युत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है, जिसको लेकर विद्युत कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द विद्युत कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने की गुहार लगाई है। यूनियन ने प्रदेश सरकार से विद्युत बोर्ड में स्थायी एमडी की नियुक्ति करने की मांग भी की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।